युद्ध पर रोज 1,12,000 करोड़ का ये जो खर्च आ रहा है, क्या रूस इसी वजह से जल्द केसी सिंह जी फिनिश करने के मूड में है कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो और फिर बीच का कोई रास्ता निकल जाए? मैं जल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। वो जल्दी से जल्दी इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो सिविलियन पॉपुलेशन को इसमें नहीं जुड़ना चाहते थे। बिल्कुल, कि जल्दी से जो वहाँ की सरकार है उसको गिरा लें या तो वो हथियार फेंक दे। जब सिविलियन पॉपुलेशन अंदर आ गई और इंसर्जेंसी टाइप सिचुएशन बन गई तो हर एक दिन, जैसे जल साहब ने कहा, उससे पुतिन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। कल को अब पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने कह दिया कि स्विफ्ट से जो एक मैकेनिज्म है, जो बैंक दूसरे बैंकों के साथ अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं, उससे रूस के बड़े बैंकों को तोड़ा जा रहा है कल से। तो इसलिए उनकी स्विफ्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, स्विफ्ट जी। तो स्विफ्ट हटाने के बाद रूस के बैंक कल सुबह से उन पे प्रेशर आएगा। वो प्रेशर पे लोगों तक जाएगा जो पैसे वहां लेंगे, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जब रूस की अपने पॉपुलेशन पे, आबादी पे इसका असर डलना शुरू हुआ तो वहां भी, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने परसों, उन्होंने कहा था, बिल्कुल, सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, 5 लाख आदमी ने कर लिया था। रूस ने ट्विटर और सोशल मीडिया को सस्पेंड किया हुआ है, उस पर जोर डाला हुआ है कि ना करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका अंदाजा है कि वो नहीं चाहते ये पिक्चरें यूक्रेन की उनकी आबादी में आए, क्योंकि वहां की आबादी ये महसूस कर रही है कि ये तो अपने ही लोग हैं, यूक्रेन वाला कोई दुश्मन नहीं है, तो हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं। और एक बड़ी आबादी वहां की रूसी भी बोलती है एक तरफ की। हाँ, तो ये भी एक बड़ी आधे से थोड़ा सा कम। हाँ, और कोई भी फौज जब लड़ाई में जाती है, अगर उसको ये ना समझ में आए कि मैं इन लोगों को क्यों मार रहा हूँ, तो उसका मनोबल अपने आप गिर जाता है।